नमस्कार। सो आज एनसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, बीएचयू, जिपमर जिसमें आते हैं, और काफी लोग हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं से पेड क्लाइंट। और एक और चीज है जो मैंने शायद लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था और वो काफी पॉपुलर हुआ था और काफी लोगों ने पसंद किया था। देखिए, ऑल इंडिया कोटा में बेसिकली हर स्टेट के कॉलेज की सीट निकाली जाएगी, करेक्ट? रफली स्पीकिंग हिंदुस्तान में 260 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इन वेरियस स्टेट्स। आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाते हैं, जैसे अगर यूपी स्टेट में 2 साल का बॉन्ड है, अगर आप यूपी के सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं या राजस्थान के सरकारी कॉलेज में पढ़ने के बाद बॉन्ड होता है, सो चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से जाए या आप नॉर्मली जाए, आपको वो बॉन्ड फुलफिल करना पड़ता है, राइट? इसी तरह महाराष्ट्र में 1 साल का बॉन्ड होता है। तो क्या सारी बातें आपको मालूम है? क्या आपको यह मालूम है कि कुछ सरकारी कॉलेज है जहां पर फीस 2,000, 5,000, 10,000 रुपए है, लेकिन काफी सरकारी कॉलेज ऐसे भी है जहां पर फीस 1 लाख रुपए है। अब वैसे देखा जाए तो 4 साल में 4 लाख का फर्क हो जाता है, जो कि छोटा अमाउंट नहीं है, राइट? तो ये मैंने क्यों बनाई थी कि हम तो अपने क्लाइंट के लिए बनाते ही है कि लास्ट ईयर ना किसी का फोन आया कि सर जब नंबर आए हुए 640 समझ लीजिए, और जब मैंने चॉइस लिस्ट भरनी है एमसीसी में तो बस आंख बंद करके भर दी। सर ऐसा करा, सबसे पहले ना सबसे ऊपर, क्योंकि ए अल्फाबेट से लिखे होते हैं सारे कॉलेज के नाम, तो ऊपर ए ए ए से मतलब ऐसे ड्रॉ करते गए। तो मैंने कहा क्या 15 के 15 एम्स सेम है, मतलब एम्स दिल्ली, जब एम्स का नाम आता है दिमाग में तो एम्स दिल्ली आता है। एम्स दिल्ली इज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, बट उसके अलावा जो बाकी सारे एम्स है वो तो आए पिछले 10 साल में है। उसके अंदर भी मैं सच बताऊं कुछ एम्स ऐसे हैं जो अभी 4 साल पहले आए हैं, 2 साल पहले हैं, जहां पर अभी ठीक से दीवारें भी नहीं बनी हैं। जी हाँ, तो जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आर यू श्योर कि एम्स गोरखपुर या एम्स बठिंडा की क्वालिटी वैसी ही है जैसी आपको चाहिए, या एम्स गुवाहाटी की? तो अगर आपको एम्स गुवाहाटी को अपने चॉइस के ऊपर रखेंगे, या SMS जयपुर को रखेंगे, या KGMC लखनऊ को रखेंगे, या यूपी में जो एक और अच्छे कॉलेज है उसको ऊपर रखेंगे, तो अभी हम सरकारी की बात करें जिसके अंदर एम्स, AMU, BHU और सारे स्टेट के सारे कॉलेज आएंगे। सिमिलरली विद इन MCC ट्यून भी होता है, चलो डीम्ड 42 है, उसमें भी चॉइस होती है ना कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, सिर्फ फीस नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने बोला सरकारी, क्योंकि देखिए स्टेट्स में जब हम जाते हैं तो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेट्स इन द केस ऑफ यूपी और तमिलनाडु। अब हरियाणा में चलो ठीक है, 4 ही सरकारी कॉलेज है, सबको पता है कि सबसे ऊपर PGMS रोहतक की रखना है, उसके बाद कल्पना चावला रखना है, 40 लाख बॉन्ड को जो कंसिडर नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं वो ESI को भी आजकल ऊपर रखने लगे हैं। हिमाचल में 6 ही कॉलेज है, पंजाब में 4 ही कॉलेज है, बड़ा आसान हो जाता है चॉइस लिस्ट बनाना। बट दिस लिस्ट इज नॉट ईजी फॉर स्पेशली दी MCC काउंसलिंग, जो लोग गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए एस्पिरेंट है। और डेफिनेटली हमारे पास एक बहुत मेहनत से बनाई हुई एक्सेल शीट है जिसमें सारे के सारे कॉलेजेस ऊपर से नीचे तक एक लिस्ट आती है। ये लिस्ट हम अभी जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो 3 दिन बाद शेयर करते हैं। और ये लिस्ट जो हमारे क्लाइंट नहीं है, जिनका हमारा कोई मतलब नहीं है, आप हमें फोन करेंगे, आप हमें अप्रोच करेंगे, और ये लिस्ट हम प्रायरिट लिस्ट, फिर आप एक्सेल शीट खोलेंगे, अपना चॉइस लॉगिन खोलेंगे और इसके साथ साथ इसको फिल करते जाएंगे। इस लिस्ट में इंक्लूड सब देखा गया है, सबसे बड़ी बात क्वालिटी ऑफ कॉलेज, बॉन्ड, फी स्ट्रक्चर, सबके हिसाब से एक लिस्ट बना दी गई है आपके लिए। 1 to 260 तक आपने आंख बंद करके इसको डालना है। और डेफिनेटली इस लिस्ट के अलावा जो लोग खुद भी कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि उसमें MBBS BTS इकट्ठे आते हैं, तो कभी बार पता चलता है कि आपके नंबर 630 है लेकिन आपने BTS के ऑप्शन को लेफ्ट से राइट में डाल दिया और वो ऊपर आ गई। जब मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं आपको मोटा सा डेमो वो दिखा दूंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है MCC का फॉर्म भरते हुए, क्योंकि मैंने बोला सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आप वो 2 लाख रुपए देखे सारी ऑप्शन खोल लेते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कम से कम 350 ऑप्शन मिलती है, और 350 ऑप्शन में जब लेफ्ट से राइट पे आप ड्रैग करते हैं तो उसी में कई बार गलती कर जाते हैं। और एक बार आपने गलती कर दी, राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है, पर राउंड 2 में गलती कर दी और आपको BTS अलोकेट हो गई तो फिर वही लेनी पड़ेगी, राइट? तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और किसी और ने आपकी MBBS की सीट ले ली, बट अदर देन दैट क्वालिटी लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आप लेना चाहते हैं आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए 9643362320, और सीधा बोलिए मैम को जो भी फोन उठाएंगे कि मुझे
ये ऑल ये एमसीसी काउंसलिंग की एक्सेल शीट लिस्ट चाहिए। हम वो लिस्ट देते हैं अपने नॉन क्लाइंट्स को, जैसा मैंने कहा जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको तो हम एज पार्ट ऑफ अवर पैकेज देते हैं, और जो हमारे क्लाइंट नहीं है उनके लिए जो लिस्ट है ये 11,000 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप पहले हमें ऑनलाइन 11,000 रुपीज भेजेंगे और फिर ये एक्सेल शीट आपको दी जाएगी। ये बहुत मेहनतों से बनाई है, बहुत रिसर्च से बनाई है। सो 11,000 रुपीज इज अ वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट। तो आप हमें भेजेंगे और तुरंत 15 मिनट के अंदर आपको एक्सेल शीट ईमेल से आ जाएगी। तो वो लोग जो मुझसे बात नहीं करना चाहते, आप कई बार फोन करते हो, मैं आपको बताती है कि सर से बात करने के लिए मिनिमम चार्ज है और उसके बाद हम काउंसलिंग करते हैं। और आप सिर्फ ये लिस्ट चाहिए, आप सीधा मैम को बोलिए मुझे लिस्ट चाहिए, मैम आपको बैंक डिटेल देंगी, आप बैंक डिटेल में अपनी फीस भेजिए और आपको एक्सेस शीट मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।